हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर के बारे में, और जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वक्त जाननी जरूरी है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो मेक श्योर की वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम कॉलेज का नाम है हमारा क्या है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। और देखो ये बात ध्यान रखना, ये सीरीज इसलिए लेके आया क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैंने जेई क्वालिफाई किया तो मुझे कॉलेज के नाम तक नहीं पता थे, और फिर मैं एक ऐसे कॉलेज में लैंड कर गया ताकि मैं आज तक 3 साल से मैं अपने इस कॉलेज में पछता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे कॉलेज में लैंड करो और फिर तुम्हारी आई की 4 साल बेकार हो जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप एक अच्छा कॉलेज चूज करें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, और अगर नहीं करनी आती है तो फिर आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब देखो कॉलेज गवर्नमेंट है भैया, और ये जो है 2006 में नया कॉलेज। अगर हम कंपेरिजन में बात करें और कॉलेज के, तो ये भुवनेश्वर कहाँ भी है, भुवनेश्वर जो है ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज से जाने के हमारे पास क्या क्या रास्ते मौजूद हैं। हमारे पास इस कॉलेज तक पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, पहला एयरपोर्ट है और दूसरा हमारे पास रेलवे स्टेशन है। पहला जो एयरपोर्ट है वो हमारा है, इस कॉलेज से दूरी है हमारी 12.5 किलोमीटर की दूरी पर आपका एयरपोर्ट है, और वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है ये बात समझ लो। रेलवे स्टेशन हमारा 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अब भैया ये हमेशा जो कॉलेज है उनसे चीजें इतनी दूर क्यों होती है, हमेशा जो कॉलेज होते हैं वो आपके सिटी से दूर बनाए जाते हैं, ऐसा आप हर कॉलेज में देख सकते हो। कैंपस फैसिलिटीज, अब बात करते हैं आपको कॉलेज में बैंक मिलेगा। बैंक तो बेटा आपको हर कॉलेज में मिलेगा क्योंकि आपके क्या होता है, जो भी कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह जो भी आती है वो सब बैंक में ही आती है, कॉलेज वाले बैंक में। देन लाइब्रेरी है, फिर हमारे पास आपके कॉलेज में कैंटीन दी गई है, बॉयज के लिए बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, खेलने कूदने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज भी आपके लिए अवेलेबल है। अब बात करेंगे इस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में। तो इस कॉलेज को NRIF जो है वो इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसको 201 से 250 में रैंक किया गया है, जो कि 2022 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन के लिए क्या करना है आपको, आपको जेई मेन का एग्जाम देना है, और 50% जो इस कॉलेज में थोड़ा सा चीजें अलग है कि 50% जो इनकी सीट्स हैं वो जोसा के थ्रू फिल की जाती हैं, एंड इसके बाद 50% जो है वो उड़ीसा के लिए सीट्स रिजर्व करके रखे हैं उड़ीसा कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो उसकी क्या है, उसकी काउंसलिंग अलग से होती है, जिसको हम बोल रहे हैं सेल्फ काउंसलिंग बाय द इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर 4 साल के लिए आपको काफी सारे कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर करी जा रही है, ठीक है, सीई हो गया, एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट इज CSE ब्रांच, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच। अब IT जो है वो यार कह सकते हैं हम एक CS ब्रांच का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें हमारा कुछ कुछ हद तक, काफी हद तक सिलेबस जो है वो CS ब्रांच से सेम होता है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो उड़ीसा के लिए जो उड़ीसा के बच्चे हैं उनके लिए कितनी सीट रिजर्व वगैरह रखी गई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 30 सीट रिजर्व है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीट रिजर्व है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 सीट रिजर्व है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 30 सीट रिजर्व है। IT ब्रांच के अंदर आपकी 30 सीट और रिजर्व है, टोटल 180 सीट जो है वो आपकी उड़ीसा स्टेट कैटेगरी स्टूडेंट्स की रिजर्व करके रखी गई है। नेक्स्ट जोसा में 50% सीट रिजर्व करके रखी गई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जेंडर न्यूट्रल के लिए 37 सीट है और ये ऑल इंडिया कोटा के लिए ओपन होती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जेंडर न्यूट्रल 75 सीट है, एंड देन जनरल न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 37 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल 37 सीट्स, एंड IT में आपकी 37 सीट्स अवेलेबल हैं, और ये सारी सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा पर अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज कट ऑफ रैंक्स। OR CR का मतलब है OR फॉर ओपनिंग रैंक, CR फॉर क्लोजिंग रैंक। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में। कंप्यूटर साइंस जेंडर न्यूट्रल में आपका 26,369 से, ठीक है, और 28,390 तक आपका क्लोज होता है। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल आपका 19,444 से ओपन हो रहा है, 25,451 पर बंद हो जा रहा है। एंड देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 37,300 पे ओपन हो रहा है एंड 40,952 पर क्लोज हो जा रहा है। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर जनरल न्यूट्रल 32,107 पर ओपन हो रहा है, 38,113 पर क्लोज हो जा रहा है।
एंड देन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल न्यूट्रल 16182 पर ओपन होता है, 29268 पर आपका क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव राउंड 6 ऑफ ओबीसी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल 9559 से ओपन होता है, 11292 पर क्लोज होता है। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल 6616 पर ओपन होती है, 9480 पर क्लोज हो रही है। देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल 13517 पर ओपन हो रहा है, 14410 पर क्लोज हो रहा है। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल 12086 पर ओपन होता है, 13446 पर क्लोज हो जा रहा है। देन वी हैव आईटी ब्रांच दैट इज 9553 पर ओपन हो रहा है, 11665 पर क्लोज हो जा रहा है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। एससी वाले बच्चों के लिए चीज बोलना चाहूंगा बेटा, अगर आप एडवांस क्वालिफाइड हो तो कृपया करके अपनी काउंसलिंग सही से कराएं, अगर मेंस भी क्वालिफाइड हो तब भी काउंसलिंग पर ध्यान दें ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में लैंड कर सकें। सीएस जनरल न्यूट्रल की बात करेंगे, 5571 से शुरू होता है, 6645 तक जा रहा है। देन वी हैव कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल में यह आपका 4438 से शुरू होता है, 5741 तक जा रहा है। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि आपका 8477 से शुरू होता है, 8862 से खत्म हो जा रहा है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट इज 7456 पे ओपन हो रहा है, 8401 पर क्लोज हो रहा है। देन वी हैव आईटी ब्रांच जनरल न्यूट्रल 3810 पे ओपन हो रहा है एंड 7252 पर क्लोज हो रहा है। अगर आप लोगों को भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप जो गूगल फॉर्म दिए गए हैं वो फिल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में कमेंट में मैं आपके लिए पिन कर दूंगा। अब बात करते हैं भैया इस कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारा कितना पैसा जो है वो खर्च हो जाएगा, फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देट इज सबसे पहले बात करेंगे इंस्टीट्यूट फीस के बारे में, और इसमें आपकी पूरी फीस एक ही है। देखो कॉशन मनी हो गया हमारा, वन टाइम लगेगा जो कि रिफंडेबल रहेगा, दैट इज 30,000 रुपीज आपके जमा होंगे। नेक्स्ट भैया वन टाइम फीस है हमारी 5,000 रुपये आपका एक बार जमा, सिर्फ एक बार लिया जाएगा। और देखो जो मनी आपका रिफंडेबल होता है ये बात ध्यान रखना है, जब आपका कॉलेज ओवर हो जाएगा तो आपको ये पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है, बस रिफंड लेना जरूर याद रखना। नेक्स्ट भैया ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर जो है 78,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी। अगर तुम पूरे कोर्स की फीस निकालना चाहते हो तो 8 सेमेस्टर होते हैं, इस फीस को मल्टीप्लाई बाई 8 कर लेना। हॉस्टल चार्जेस की अगर हम बात करेंगे पर सेमेस्टर तो हमारे 9,000 रुपये आपके हॉस्टल चार्जेस लगेंगे पर सेमेस्टर के लिए। और अगर तुम्हें पूरे कोर्स की फीस निकाल ली तो 22 जो भी चीज़ें पर सेमेस्टर है उनको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, ठीक है। और अगर तुम पर मंथ की कॉस्ट निकालना चाहते हो तो उसको डिवाइड बाई 6 कर दो, क्योंकि ये आपका लगभग लगभग आ रहा है कुछ 1,500 रुपये पर मंथ आपकी कॉस्ट आ रही है आपके रूम की, हॉस्टल से चार्जेस की। अदर चार्जेस की बात करेंगे, अदर फीस पर सेमेस्टर तो देनी पड़ेगी, 18,000 रुपये और देने पड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो। सो टोटल ऑफ 1,23,600 रुपये का आपका बजट बन रहा है। और देखो मैथ चार्जेस हमें सेपरेटली है, ये बात साफ साफ लिखी हुई है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट की। अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज जो है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का दैट इज 20 लैक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 39 लैक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 18 लैक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का आपका 18 लाख है, एंड आईटी का आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 20 लाख गया है। एवरेज पैकेज भी देख लेते हैं। अब देखो एवरेज पैकेज होता क्या है पहले ये समझ लो। एवरेज पैकेज मतलब कि यानी कि जिनका हाईएस्ट है प्लस जिनका लोएस्ट है और भी जिन बच्चों के आए हैं अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम करके कर देते हैं, वहां से हमें मिल जाता है हमारा एवरेज पैकेज। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हमारा 12 लाख का एवरेज पैकेज है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 13 लाख का एवरेज पैकेज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आपका 8 लाख का एवरेज पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 9 लाख का पैकेज है, एंड आईटी ब्रांच का आपका 12 लाख का एवरेज पैकेज है। अब बात करते हैं इस कॉलेज में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो रिक्रूट करने आती हैं। इस कॉलेज में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, देखो जिसमें आप देख सकते हो जैसे है अमेजन हो गया आपका, ठीक है, एसेंचर, आकाश, कैपमिनी, एंड वी हैव डेल इंडिया, ठीक है, कोगजेंट, डेलॉइट एंड इंफोसिस, हैकर रैंक, आईबीएम, हवाई, ऑल्सो यू हैव माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जिस कॉलेज में पहुंचा मतलब कॉलेज आपका काफी अच्छा है, ठीक है। ऑल्सो यू हैव पेटीएम, सैमसंग एंड वीजा, विप्रो, टाटा, स्नैपडील। तो वीजा देखो मैं वीजा पहली बार इसी कॉलेज में देख रहा हूँ, ऑल्दो आते हुए बहुत सारे कॉलेज में
बट ये कॉलेज काफी अच्छा, आप देखो काफी सारी कंपनी इसमें आपके रिक्रूट करने आ रही है, काफी बड़े बड़े नाम है, तो इससे पता चलता है हमें ये कॉलेज की अच्छी खासी रेपुटेशन है। सो बस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। और देखो यार वीडियोस मेरे इसलिए छोटे हैं, साथ में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है कि कॉलेज कितने एकड़ में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उससे आपको फर्क पड़ेगा, रायदर की आपके कॉलेज में क्या प्लेसमेंट है, क्या ओपनिंग रहेंगे, अगर आपको सही से समझ में आती है तो जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है मैं सिर्फ आपको वही देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके कॉलेज में अगर 10 हॉस्टल होंगे या 12 हॉस्टल होंगे तब भी आपको रहना तो सिर्फ एक ही कमरे में है, तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें, बिकॉज ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। और आपको जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी IIITs, GFTIs, NITs और IITs, सबका कॉलेज रिव्यू इस चैनल पर मिल रहा होगा, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।